कैसा लग रहा है आपको रोज़ा खोल के? अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा है? सब चीज़ें। आरिश आपको? सब चीज़ें। और ये देख रहे हैं, ये तो देखो कैसा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब शबे मेराज बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। और आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सहरी से, और मैंने यहाँ पे चाय के लिए पानी रख दिया है क्योंकि गैस नहीं आ रही है, तो मैं एक ही स्टोव पे काम कर रही हूँ अपने इस क्या कहते हैं मीन्स के मैं अपने उस पर स्टोव पे काम कर रही हूँ, सिलेंडर पे काम कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी टाइम नहीं है, तो मैंने जब चाय बनने के लिए जो है अदरक के साथ पानी रख दिया है, बॉयल जैसे ही आएगा इसके अंदर हम पत्ती और दूध वूध ऐड कर देंगे और सहरी की तैयारी कर लेंगे। सहरी में आज मैं बना रही हूँ जनाब अंडे का खागीना और पराठे और साथ में चाय। तो ये रहे मेरे खागीना, रेडी हो गए हैं धुआँदार किस्म के, और हम इसको इंजॉय करने वाले हैं पराठे के साथ। तो मैंने पहले खागीना अपना रेडी कर लिया, उसके बाद जो है मैंने चाय का पैन रखा है क्योंकि एक ही स्टोव है और मुझे काम जल्दी जल्दी करना है। तो चाय का पानी जैसे ही चाय डन हो जाएगी फिर मैं पराठे बनाऊंगे साथ साथ इंशाअल्लाह ताला। तो आप बताएगा इज़म अच्छी दुआएं करवाते हैं इज़म। आमीन। मुसीबत हर बला से महफूज रखिएगा, हासिदों की हसद से बुरी नज़रों से महफूज रखिएगा। और क्या सहरी में बनाया और क्या क्या खाया आप लोगों ने अफ्तार में, तो ये व्लॉग जो है सहरी से अफ्तार तक चलेगा। मगर चूँकि अफ्तार का मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं और हस्बैंड रोज़ा है, तो हस्बैंड तो ऑफिस चले जाएंगे, तो डेफिनेटली एक बंदे के लिए मैं कुछ भी ऐसा अरेंज नहीं करूँगी। अगर हस्बैंड आ गए अफ्तार पे तब तो मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूँगी, या अगर बहनों का रोज़ा हुआ और वो आई तो फिर हम शेयर करेंगे आपके साथ जो भी थोड़ा बहुत जो भी कुछ बनाऊँगी। तो बस मैंने कहा आज अपना व्लॉग सहरी से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ जो है अपनी सहरी शेयर करती हूँ। नॉर्मली मतलब जो है यही होता हमारा, या रेडीमेड पराठे ले लेते हैं और अंडे के साथ इस तरह से, या शामी कबाब पराठा इस तरह से ही चलता है, चाय पराठे इस तरह। सहरी में ज़्यादा हमें वैरायटी नहीं चाहिए होती है, ना हम बहुत हैवी किस्म के सालन वालन खाते हैं, तो बस ये हमारे सिंपल सा मेन्यू होता है डिनर का भी। डिनर से मुराद अफ्तार, और अफ्तार डिनर हमारे एक जैसे ही होता है, चाहे हम डिनर बना लें या फिर पकौड़े वगैरह बना लें, हम लोगों से ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो हम कोशिश करते हैं कि अफ्तार में ही कुछ ऐसा बना लें जो डिनर को भी रिप्लेस कर ले। तो खाना बना लेते हैं, कभी कभी पकौड़े या शरबत बना लिया, तो इस तरह से हम लोगों की नॉर्मल रमज़ानों की रूटीन है कि हम अजान के रोज़ा खोलते ही पहले जल्दी शरबत के साथ रोज़ा खोल लिया, देन फिर अगर पकौड़े वगैरह एक दो बनाए हैं हमने तो एक दो पकौड़े के साथ या खजूर के साथ रोज़ा खोल के शरबत पी के मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। देन फिर हम लोग जो है मगरिब की नमाज़ के बाद जिसको खाना वाना खाना होता है, अगर हमने डायरेक्ट खाना सर्व किया है तो फिर हम खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि फिर सहरी से अफ्तार से ईशा के यानी रात के खाने का टाइम और फिर सहरी का टाइम सब कुछ इतना जल्दी जल्दी आ जाता है कि फूड डाइजेस्ट नहीं होता। तो फूड डाइजेस्ट ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, डिनर जो है अफ्तार में ही कर लेते हैं। तो बातों बातों में मैं आपको बताना भूल गई कि मैं इसमें जो है चाय की पत्ती ऐड कर दी है और अब मैं दूध ऐड करने लगी हूँ। बच्चे सो रहे हैं और बस मैं जैसे ही सहरी रेडी हो जाएगा हस्बैंड को आवाज़ दे दूँगी और हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के सहरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर नमाज से फजर से फारिग होने के बाद जो है सोने की तैयारी होगी, चूँकि हस्बैंड का ऑफिस है तो उनको जाना होगा, जाहिर है उनकी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती, कोई वीकेंड कोई वीकडे जो है उनके लिए कोई वो नहीं है, सब एक जैसे ही है। तो बहरहाल हस्बैंड सो जाएंगे और फिर मैं उनको ऑफिस जाने के टाइम से फिर जगाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो अभी वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग सहरी करेंगे बैठ के इंशाअल्लाह। वीडियोज़ देखने को मिल सके
तो मेहनत का सिला तो बेशक अल्लाह ही देता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी मैं क्लीनिंग के चक्कर में लग गई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दिया करें। साथ में अगर टाइम मिले आपको और नागवार ना गुजरे तो कमेंट भी किया करें, क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, एटलीस्ट सलाम का जवाब ही दे दिया करें। बहरहाल अगर दिल गवारा करे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है, जाता है। इसलिए अभी बज रहे हैं, मैं हाल है 4:15, 4:15 बज रहे हैं और मैं बस खागीना बना चुकी हूँ और पराठे के पेड़े वेड़े बना चुकी हूँ, रेडी कर चुकी हूँ। जस्ट चाय डन होते ही मैंने कर देना है अपने पराठों का काम शुरू। रमज़ान आने वाले हैं और देख लें गैस की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एक स्टोव के अंदर आप एक बड़ी फैमिली में किस तरह से गुजारा करेंगे। और मैंने तो खैर रिसेंटली ही सिलेंडर इसलिए लगाया कि बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे सुबह फजर में भी गैस नहीं होती तो मुझे माइक्रोवेव में चाय वाय बनानी पड़ रही थी, तो इस वजह से मुझे बहालत मजबूरी मैंने सिलेंडर लगवाया है। मगर सोचिए कि अगर रमज़ानों में भी सहरी में गैस नहीं आएगी तो लोग सहरी किस तरह बनाएंगे, किस तरह रोज़े रखेंगे। वैसे ही इतनी महंगाई हो गई है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कौन से शहर से देख रहे हैं और कौन से कंट्री से देख रहे हैं और वहाँ पर गैस के क्या हालात हैं आपके शहर में, आपके सिटी में जो है क्या पूछिए। हर चीज़ में चार्जेस बढ़ रहे हैं और जो है ना सुधार नहीं पैदा हो रहा। बहरहाल पैसे ले लो भाई मगर काम तो करो, नहीं यहाँ हर कोई बस अपना खाता खोल के बैठा है और उसको बस चाहिए पैसे तो चाहिए, काम नहीं करना किसी ने भी। दूंगी और तवा रख दूंगी पराठे बनाने के लिए, यूँ तवा अपना ताकि मैं इस पर पराठे बना लूँ। जल्दी अपने पराठों का आगाज़ और पराठे बनाना शुरू करते हैं। काउंटर टॉप मेरा बहुत छोटा है क्योंकि जो है किचन में जगह कम है, इस स्टोव रखने की वजह से जो है मेरा स्लैब और ज़्यादा बिजी हो गया है। तो यहाँ मैंने एक पराठा डाल दिया है। सो फाइनली फाइनल टचेस की बारी आ गई है। तैयार है मज़ेदार। जी फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो जनाब अफ्तार की तैयारी शुरू हो गई, अफ्तार में मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली थी, बस एक इज़्ज़त ने फरमाइश कर दी कि उनको पकौड़े और शरबत चाहिए। तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ जो है, क्योंकि मैं अकेली हूँ मुझे पता नहीं मेरी बहनें आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि वो अभी ज़ाहिर है वर्क टाइमिंग है तो हस्बैंड भी ऑफिस में है तो नहीं आएंगे। तो मैंने जस्ट यहाँ पे बच्चों की वजह से जो है पकौड़ों की तैयारी कर ली है। तो बेसन में मैंने जो है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसी भी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम 1/4 जो है मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर, हाफ 1/4 टी स्पून जो है लिया इसमें
में ज़ीरा पाउडर, पिंच ऑफ अजवाइन है, मैंने एक ही चुटकी इसके अंदर जो है मेरे पास हींग रखी हुई थी वो डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, और हाफ टी स्पून लहसुन अदरक है। इसको एक अच्छा सा घोल बनाएंगे, बैटर बनाएंगे। साथ में यहाँ मैंने आलूओं को कद्दूकश कर लिया है, और यहाँ पर रखी हुई है हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, ये जाएगा सारा इंग्रेडिएंट्स इस बैटर के अंदर। तो बस मैंने आज तो पकौड़े और शरबत बनाने, क्योंकि मुझे मेरे इज़रम ने फरमाइश की थी तो उनकी वजह से मुझे पकौड़े बनाने पड़े हैं। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि बस कुछ नहीं, चाय और पापे या फिर ब्रेड के साथ कुछ खा लेंगे, तो जनाब उन्होंने कहा नहीं रोज़ा है तो उनको खजूर और शरबत और पकौड़े चाहिए, तो उनकी वजह से बस ये तैयारी चल रही है मेरी। अकेले तो बिल्कुल भी मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, मगर जब आपको पता है बच्चे हों और उन्होंने कुछ कह दिया हो तो माओं की जिम्मेदारी होती है उनकी ख्वाहिशों को फुलफ़िल करना। सो मैं उन माओं में से ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, की कोशिश करती हूँ बच्चों को जो घर पे बना के दे सकती हूँ जितना भी बजट फ्रेंडली चीज़ें, क्योंकि बाहर से बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें आती हैं और हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं होता, तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों की जो है ख्वाहिशों को घर में फुलफ़िल कर सकूँ, बना सकूँ। टाइम ऑफकोर्स लगता है, मेहनत लगती है, मगर एक हाइजीनिक फूड आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी हेल्थ का ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो बस करती हूँ अपनी ज़िम्मेदारियों को, थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ पूरा करने की, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हाँ, ये मिक्स रेडी हो गया है और मैं अभी आलू और ये प्याज अभी डालूंगी नहीं, क्योंकि अगर अभी से मैंने डाल दिया तो सबने वाटर रिलीज़ कर देना है, प्याज और आलू दोनों ने, और सब पानी पानी हो जाएगा। तो अभी असर का जो है टाइम हो गया है, असर की नमाज़ अदा करूँगी, उसके बाद अभी टाइम है तो अभी थोड़ा कुछ पढ़ वढ़ लूँगी या कुछ और कर लूँगी, वीडियो एडिट कर लूँगी, तो बाद बाकी जब मैं पकौड़े बनाऊँगी तो ज़रूर आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। अफ्तार की तैयारी शुरू हो गई है, यहाँ मैंने एक तुर्की कबाब बनाने के लिए रख दिया है पैन के ऊपर, एक सैंडविच बना लूँगी, और क्योंकि हम सिर्फ तीन ही अफराद हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे, तो एक सैंडविच हम तीनों के लिए काफ़ी होगा, तो एग के साथ जो है एक सैंडविच बना लूँगी तुर्की कबाब के साथ। तो यहाँ मैंने कबाब फ्राई होने के लिए रख दिया। यहाँ पकौड़े बनाने के लिए मैंने वेरी 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 फर्स्ट टाइम मैं मस्टर्ड ऑयल से पकौड़े बनाऊँगी, तो देखते हैं कैसा फ्लेवर आता है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल रख दिया यहाँ पे, ये अच्छा सा हीट हो जाए और थोड़ा सा इसकी थोड़ी इसकी जो है शार्प स्मेल है वो निकल जाए, उसके बाद मैं इसको इसके अंदर जो है पकौड़े डालना शुरू करूँगी। जब तक मैं अपने पकौड़ों के मिक्सचर को कर लेती हूँ रेडी, ये रखा है यहाँ। बेटा आ जाए, रोज़े का टाइम होने वाला है, तो इसके अंदर मैं तमाम चीज़ें ऐड कर लूँगी और अपना पकौड़ा बनाना स्टार्ट कर दूँगी। आलूओं को मैंने निचोड़ के इसके अंदर डाल दिया है कद्दूकश करके, और ये बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है और धुआं निकल रहा है, वो देख सकते हैं आप, तो ये थोड़ा सा अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। जब तक हम यहाँ पे करते हैं सैंडविच की तैयारी, उसके लिए कबाब फ्राई हो गए हैं और बस एक ही मुझे एक ही पेयर बनाना है, तो ब्रेड को मैं हल्का सा टोस्ट कर लूँगी, सेक लूँगी, उसके बाद जो है अपना सैंडविच असम्बल कर लूँगी एग के साथ। एग मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ मैंने पकौड़ों के बैटर में 2 चम्मच जो है गर्म ऑयल डाल दिया है। ये एक अच्छी टिप है आपके लिए कि हमेशा याद रखें कि जब भी पकौड़े बनाएं, जब ऑयल आपके गर्म हो जाए और थोड़ा हल्का गर्म हो जाए तो आपने 2 चम्मच इसमें बैटर में डाल लेना, तो इससे क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। ये देखें ब्रेड रेडी हो गई है और आप सैंडविच की जो है तैयारी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पकौड़ों को फ्राई करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, और हमने बैठ के दुआ भी मांगनी है, तो डाल दिए मैंने, और जब तक ये पकौड़े बनेंगे मेरे सैंडविच असेंबल हो जाएंगे। ये देखिए सैंडविच मेरी रेडी हो गई है, और ये इसको फ्लिप कर देंगे और ये पूरा कंप्लीट सैंडविच रेडी हो गया, इसको कटिंग कर लेंगे और रोज़ा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। फिर पकौड़ों को चेक कर लेते हैं। मैंने बहुत भर के कढ़ाई में ऑयल नहीं डाला, इसलिए मुझे वेस्ट नहीं करना है, तो और वैसे तो ऑफकोर्स ऑयल यूज़ हो जाता है, सालन में यूज़ कर लूँगी, ऐसा नहीं है कि अगर पकौड़े बनाए तो डिस्कार्ड कर दूंगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सोचिएगा भी नहीं, अपने ख्यालों में भी नहीं लाइएगा। ये मैं बहुत चीज़ों को लेके वो हूँ कि महंगाई बहुत है, और महंगाई हो या ना हो रिस्क की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, दैट्स द रीज़न कि मैं बहुत जो है चीज़ों को फोकस करते हुए चलती हूँ। सेकेंड बैच मैंने ऐड कर दिया है, फर्स्ट बैच जो है मैंने सैंडविच की कटिंग में लग गई तो वो थोड़ा सा डार्क सा कलर हो गया, बट कोई नहीं, खाना तो हमने ही है ना। आरिश लेकर आए बेटा, आरिश मैंने आपको खीरा लाने के लिए भेजा था। यहाँ पकौड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं और बस मेरी चीज़ें रेडी हो गई हैं। नाना करते हुए भी ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि कुछ नहीं करते हुए भी चीज़ें अल्लाह ताला जो है इतनी बरकत डाल देता है चीज़ों में कि हम उसकी नेमतों का जितना शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत कम है इसकी नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें।
तो निकालते हैं पकौड़े। देखिए ये थोड़े से डार्क कलर के हो गए थे, गई है यहाँ पे जनाब दस्तखान। बस अब मैं टेबल पे ले जाऊंगी, अपने किचन काउंटर पे खड़ी हुई हूँ। और ये रहे तुर्किश कबाब सैंडविचेस एग के साथ। मैंने सॉरी खांसी भी है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बहरहाल चीज़ों को इग्नोर करते हुए करते हैं। ये रहे मेरे मज़ेदार गोल्डन गोल्डन फ्राई हुए हुए पकौड़े, और ये साथ में खीरे, खीरा और पकौड़े का कॉम्बिनेशन। अगर आपने गाइस कभी नहीं खाया है ना, तो मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वन बाइट पकौड़ा एंड वन बाइट खीरा। तो मेरे कहने पर ज़रूर आप एक दफ़ा ऐसा इंप्लीमेंट करके देखिएगा अपने रोज़ों में, एक बाइट जो है पकौड़े का और एक बाइट फ्रेश फ्रेश खीरे का, और आपको इतनी कोई ताजगी का एहसास होगा। आप इतने यूज्ड टू हो जाएंगे कि एवरी ईयर आपने ये करना ही करना है। मैंने तो अपने हस्बैंड को आदि कर दिया है इसका, क्योंकि हम बचपन से इसी तरह से खाते आए हैं, पकौड़े के साथ खीरे का कॉम्बिनेशन। आहा क्या उमदा होता है। साथ में मैंने यहाँ कटिंग कर ली है मेलन्स की, क्योंकि मेरे आरिश को पसंद है मेलन और मेरे पास थी, तो मैंने कहा वाई नॉट मेरी जान। तो शरबत शरबत भी रेडी है, खांसी हो रही है, मगर शरबत तो पीना है क्योंकि मेरी बेटी ने बोला है, तो बस करना है तो करना है। तो चलते हैं अपने टेबल पे और सजाते हैं अपनी टेबल को, और दुआएं मांगते हैं अपने अल्लाह सुभान व तआला से कि हम सब के लिए आने वाला रमज़ान खैर व बरकत, खैर व आफियत, सुकून, खुशियाँ और कामयाबी का साल रहे, और अल्लाह ताला हर किसी को अपनी रहमत से, अपनी नेमत से, अपनी नेमतों से नवाजे, और सबके दस्तखान हरे भरे सजे रहें, और हम हमेशा मेहमान नवाजी करते रहें एक दूसरे की, और हमारे दस्तखानों में अल्लाह ताला जो है ढेर व बरकत दे, आमीन। सो ये रही अजवा खजूरें, पकौड़े, मेलन्स, सैंडविचेस, और ये ठंडा ठंडा राहत जान रूह अफज़ा, इसके बगैर तो रमज़ान अधूरा है जनाब। तो ये मेरी टेबल रेडी हो गई है, और यहाँ इज़्ज़म बैठ गए हैं, और हम लोग जो है दुआएं पढ़ेंगे, और आरिश जो है पानी लेकर आ रहे हैं हम सभी के लिए, और हम लोग यहाँ पे बस बैठ के अब दुआएं मांगेंगे ढेर सारी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खीरा तो मैं लाना ही भूल गई, किचन काउंटर पर छोड़ कर आ गई, और इसके बगैर तो पकौड़ों का मज़ा ही नहीं है। आपके पास कोई रायता चटनी कुछ भी ना हो और खीरे हो फ्रेश फ्रेश कटे हुए, तो आ हाँ हाँ ठीक है, मांगे दुआ। कौन मांगना शुरू करेगा? इज़्ज़म अच्छी दुआएं करवाता है इज़्ज़म। आमीन 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 सुमा आमीन। अल्लाह पाक हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, बाबा को सेहत दे, उनको कामयाबी दे, उनके रिस्क में खैर बरकत दे, आमीन आमीन बोलते जाते रहिए। मेरी बहनों के लिए आसानियां कर दे, भैया मामा आप ही के लिए आसानी कर दे, रिस्क के दरवाजे खोल दें अल्लाह पाक, और ढेर ढेर खुशियां दे, कामयाबी दे, बच्चों को सेहत के साथ लंबी उम्र नेक बनाए, खिदमत गुजार बनाए, माँ बाप के लिए सदका इजारिया बनाए, और जो है माँ बाप का नाम रोशन करें दीन और दुनिया दोनों जगह पर, आमीन इलाही आमीन। और माँ बाप के फरमा बरदार खिदमत गुजार रहें, और कामयाबी इन तीनों भाइयों के मुकद्दर हो, आमीन। और अच्छी तालीम, अच्छी ज़िंदगी, खुशी और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाइए, और हर मुश्किल, हर परेशानी, हर आजमाइश, हर दुख, हर तकलीफ, हर मुसीबत, हर बला से महफूज रखिएगा, हासिदों की हसद से, बुरी नज़रों से महफूज रखिएगा, और हम सब की मफ़रत फरमाइएगा, हमारे वालदैन की मफ़रत फरमाइएगा, इलाही आमीन। तो बस अजान होने वाली है, और हम लोग जो है अब रोज़ा इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। मैंने सोचा आप लोगों को अपनी शक्ल दिखा ही दूं, और बस अजान होने का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, और दुआएं खैर कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और इज़्ज़म से रोज़ा जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा, बस पकौड़े देख के आए, इज़्ज़म जो है ना उतावले हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इज़्ज़म की फरमाइश पे ही पकौड़े बनाए हैं, तो उनसे सब्र नहीं हो रहा। पकौड़े, शरबत और खजूर, इज़्ज़म को याद था क्योंकि लास्ट ईयर तो खैर हमने नहीं। जी आरिश आप कुछ कह रहे हैं? अजान हो गई, चले पढ़े हम लोग दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु वबिका अमनतु वअला रिज़्क़का अफ़्तरतु अफ़्तरतु आमीन। चले खजूर उठाएं मुझे दे। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह अजान हो गई है, और हम अब रोज़ा खोलेंगे। यहाँ से मैं ले लूँ खजूर, ये है मेरे पास अजवा खजूर रखी हुई, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़म कैसा लग रहा है आपको रोज़ा खोल के? अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा है? सब चीज़ें। आरिश आपको? सब चीज़ें। और ये देख रहे, ये तो देखो कैसा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं।
सो ये था आज का व्लॉग। और जनाब रजब के ख़त्म होते ही शाबान यूँ गुजर जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा और रमज़ान फटाफट आ जाएंगे। और बस अल्लाह पाक रमज़ान देखना नसीब करे हम सभी उम्मत मुस्लिमा को, और खैर वाफियत के साथ सेहत के साथ जो है आने वाला रमज़ान हम सब के लिए खैर बरकत का हो, आमीन। तो बस आज की वीडियो बस इतनी ही थी, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए और दिन भर की मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मगरिब की अजान हो चुकी है, ऑफकोर्स रोज़ा खोल चुके हैं हम लोग, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो मैं अब नमाज के लिए जा रही हूँ, आप लोगों से अलविदा कह रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है किसी और ब्लॉग में। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। और आने वाले रमज़ान सभी लोगों को मुबारक हो इन एडवांस।